वैशाली जिले के बिद्दुपुर में लोक देवता बाबा गणिनाथ की वार्षिक जयंती समारोह की सफलता के लिए न्यास समिति के सदस्यों ने बैठक कर समीक्षा किया है। बिद्दुपुर प्रखंड के पलवैया धाम स्थित संत गणिनाथ मंदिर परिसर सभागार में न्यास समिति के तत्वाधान में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता करते हुए समिति के कोषाध्यक्ष विद्यानंद शाह ने कहा कि पिछले साल की उपेक्षा इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के बाद बाबा गणिनाथ गोविंद भगवान की राष्ट्रव्यापी जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। 2 सितंबर को झंडा पूजन एवं 9 सितंबर को धूमधाम से बाबा गणिनाथ की जयंती भाद्रपद नक्षत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक बाद वाले दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस वर्ष की श्री कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर को होने जा रहा है, जिसे देखते हुए 9 सितंबर को देश के अलग अलग जगहों पर राष्ट्रव्यापी जन्म उत्सव मनाया जाएगा। जयंती समारोह को लेकर बिद्दुपुर में 2 दिवसीय होने वाले समारोह को सफल बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा एवं समीक्षा की गई है। न्यास समिति के सचिव रामजी शाह ने बताया कि जयंती समारोह के प्रथम दिन 9 सितंबर को जयंती सह सद्भावना मेला आयोजित किया जा रहा है। इस बार जन्म उत्सव के मौके पर युवा कमेटी की ओर से शुक्रवार को गणिनाथ धाम पर गोधुली बेला, आकाश में बादलों के बीच डूबते सूर्य की ललिमा और नीचे कलकल बहती हुई पावन गंगा नदी तट पर भव्य गंगा महाआरती और शनिवार की संध्या में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज दिनांक 20/8/2023 को बाबा श्री गणिनाथ जी की जयंती के संदर्भ में मंदिर परिसर में एक आवश्यक बैठक बुलाई गई। जयंती को सफल बनाने के संदर्भ में इस मीटिंग में संस्था से संबंधित गत बैठक की संपुष्टि, आय व्यय का ब्यौरा, जयंती मनाने पर विचार और अन्य विषयों के साथ हमारी मीटिंग सफल हुई। ये पब्लिक को, पूरे वैश्य समाज को, कांग्रेस समाज को हम आमंत्रित करते हैं कि दिनांक 9/9/2023 को होने वाली जयंती में अवश्य पधारें। मेरा नाम विद्यानंद शाह है, मैं बुद्धपुर का निवासी और संस्था का कोषाध्यक्ष हूँ।